प्रणाम देवी अनुसुईया, आज से मैं आपकी पड़ोसी हूं। पता है आप यहां रहने आई हैं। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्षमा कीजिएगा, भूल जाइए। आपके इस परिवर्तन का कारण क्या है? आपके बाल शिव ने कहा था, एक बार हमारे घर आइए, आपको शांति का अनुभव होगा। मैं अपने अशांत मन को समझाने के लिए आपके समीप रहने आ गई। आशा करती हूँ ये आपको स्वीकार्य होगा। अवश्य देवी, आपको जहाँ शांति मिले वहाँ रहने का आपको अधिकार है। इसीलिए तो पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए मैं आपके लिए विशेष उपहार लेकर आई हूँ। स्वीकार कीजिए। लड्डू। इसकी क्या आवश्यकता थी देवी पार्वती? आपको भले ना हो परंतु इन बालकों को तो है। और फिर पड़ोसी का पड़ोसी से संबंध बनाने के लिए यही तो माध्यम है, आदान प्रदान। बालको ये लो लड्डू लो। बालकों पर बहुत अच्छा प्रभाव है आपका, परंतु मेरे विचार से यदि कोई अपना प्रेम स्वरूप कोई उपहार दे तो उसके लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। माँ, आपने तो सिखाया है कि आदान प्रदान से ज्ञान और निकटता बढ़ती है, और पड़ोसी ही निकट के संबंधी होते हैं, सुख दुख के पहले भागीदार होते हैं। पड़ोसियों के लिए बहुत अच्छा विचार है आपका। नहीं नहीं देवी, ये मेरे विचार नहीं है, ये तो मेरी माँ ने सिखाया है। मुझे मेरी माँ ने बताया है कि परिवार का दूसरा बड़ा कुटुंब पड़ोसी होता है। मैंने सत्य कहा ना माँ? हाँ शिव, बिल्कुल सत्य कहा। इसीलिए हमें पड़ोसियों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या उस सम्मान में बालकों को मेरे हाथों उपहार लेने की अनुमति देंगी आप? पुत्रों, इनके हाथ से उपहार ले लो, ये मेरी आज्ञा है। और ये उपहार विशेषकर आपके लिए। ये गेंद? माँ, आज हम इस गेंद से खेलेंगे। चलिए मेरे घर चलिए, हम सब साथ में खेलेंगे। परंतु आप
आपके घर जाने के लिए तो मुझे अपनी माँ से आज्ञा लेनी होगी। आपने अपने बालकों को पूर्णतः अपनी आज्ञा के बंधन से बांध रखा है देवी अनुसुईया। नहीं देवी पार्वती, यह आज्ञा का बंधन नहीं है, ये तो ममता का बंधन है। एक ऐसा बंधन कि कोई भी मेरे पुत्र को प्रलोभन देकर प्रभावित नहीं कर सकता। और मेरे भोले शिव को तो कदापि नहीं। हाँ देवी, मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता। अपनी इच्छा के अनुरूप आपके सारे कार्य होंगे महादेव। अन्यथा नाले ये फिर कभी आपके घर आ जाएंगे। सामने ही तो है, अभी अभ्यास का समय है। वैसे आप कितने दिनों के लिए रहने आई? दिन निश्चित नहीं है, केवल उद्देश्य निश्चित है। उद्देश्य अपने महादेव को पुनः प्राप्त करने का, प्रेम और भक्ति से। मैं जीत गया देवी। हाँ, क्योंकि जीत सदैव आप ही की होती आई है। सदा मेरी जीत। हाँ, स्मरण कीजिए, कुछ स्मरण आया? हाँ स्मरण आया। क्या? यही कि मैंने आज से पहले इस खेल को कभी नहीं खेला है और ना ही कभी देखा है। आप तो उदास हो गए। नहीं, नहीं तो मेरी माँ कहती है कि मुखमंडल मन का सूचक होता है। मैं बताऊं, आप उदास क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपका कोई मित्र नहीं है और मित्र जीवन के आवश्यक अंग होते हैं। बना लीजिए किसी को अपना मित्र। आप बनेंगे मेरे मित्र? यदि मेरे मित्र बनने से आपका मन प्रसन्न होता है तो बना लीजिए। मित्र मुझे मित्र कहकर आपने मेरी मृत आशा को जीवित कर दिया। मित्र, मित्र कहो, मित्र, मित्र शिव। ये सुगंध तो देवी के घर से आ रही है। ढूंढने के मैंने वही चलता हूँ, मित्र मिल गया तो ठीक, नहीं तो भोजन तो मिलेगा ही।
ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मित्र शिव भी यही है। देखता हूँ चलकर भोजन को भी मित्र को भी। ये सब मेरा ही किया था। मैंने ही शिवलिंग जी को महादेव और माता पार्वती के अर्धनारेश्वर रूप में बाधा डालने के लिए उकसाया। मैं तुम्हारी माता सरस्वती तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर मूढ़ बालक बनकर जन्म लो। जा दुष्ट जा। अरे अरे कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मैं अपने मित्र शिव के पास जा रहा हूँ। ये परपंची यहाँ भी आ गया? इसे तो अपने प्रभु और माता से दूरी रखना होगा, नहीं तो ये यहाँ भी माता और प्रभु के मिलन में कोई प्रपंच रच देगा। हटिए, मुझे जाने दीजिए अपने मित्र शिव के पास। नहीं जा सकते तुम। क्यों नहीं जा सकते अपने मित्र के पास? क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मेरी स्वामिनी को अपना नया मित्र बना लिया है। असत्य कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं सत्य कह रहा हूँ और तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? चलो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। मित्र शिव। किसी ने मुझे पुकारा क्या? मित्र, आप अपने खेल पर ध्यान लगाइए, अन्यथा आप हार जाएंगे। हो गए संतुष्ट? मिल गया प्रमाण कि तुम्हारे मित्र अब तुम्हें अपना मित्र नहीं मानते? कब से बुला रहे हो तुम उन्हें? आए वो तो अब अपनी मित्रता समाप्त समझो और जाओ अब यहाँ से तुम। माता पिता को खो चुका हूँ, एक मित्र था उसे भी खो दिया। बताऊंगा माता को शिव के विषय में, शिव ने ऐसा क्यों किया। माता और प्रभु के बीच का कांटा अब दूर हो गया। माता 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 भ्राता श्री देव, भ्राता श्री देव, नारायण। घर में कोई नहीं है। कहाँ गए सब लोग? माता अनुसुईया देव और नारायण के साथ नए वस्त्र लेने हाट गई हैं। नए वस्त्र केवल दोनों भ्राता श्री के लिए? हाँ, क्योंकि शिव जो वस्त्र पहनते हैं वो बाहर कहाँ मिलते हैं। और मैं, मेरे वस्त्र? देवी अनुसुईया को तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा मुड़। अभी मेरे किसी को आवश्यकता नहीं है, ना शिव को ना माता को। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चलो जाऊंगा मैं यहाँ से। अपने माता पिता को ढूंढूंगा, उनके पास ही रहूंगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भी नहीं मित्र शिव। अब मैं जा रहा हूँ। पशूनां पतिं पापनाशं परिशं सशेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमर्त्यं सुरन्दाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारे। मेरा मित्र आ गया। मित्र, तुम्हें पता, ये लोग मुझे अपना हार बना रहे थे।
आत्मा त्रिशूल ने मुझे बचा लिया। रोक लीजिए अपने त्रिशूल को और हम सभी की रक्षा कीजिए। तुम क्षमा की योग्य नहीं है नन पिशाच, तुम मनुष्य होकर मनुष्य का आहार बनाते हो, इसे क्षमा मत करना मित्र। प्रभु आज के बाद हम कभी ऐसा अधर्म नहीं करेंगे, हम कभी किसी मनुष्य को अपना आहार नहीं बनाएंगे और हम सभी को क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम सभी को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरी माँ ने सिखाया है क्षमा मांगने वाले को सुधरने का अवसर अवश्य देना चाहिए। अपनी माँ की शिक्षा के कारण तुम सबको क्षमा कर देता हूँ। धीरज रखिए देवी, स्वयं को संयत कीजिए। मुझे भी जाना चाहिए था उनके साथ ऋषिवर, पता नहीं वो दोनों किस संकट में होंगे। देवी वो शिव हैं, प्राणी मात्र के संकट हरने वाले, कुछ नहीं होगा उन्हें, आप निश्चिंत रहिए। या फिर कोई और बात है जो आपको विचलित कर रही है? मेरी चिंता का विषय कुछ और भी है ऋषिवर, वो चिंता जो पड़ोसी बनकर आई है देवी पार्वती। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिना मुझसे पूछे शिव को अपने घर बुला लिया। आपके शिव पर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार उनका भी है। शिव आपके पुत्र आज बने हैं पर महादेव के रूप में, उनके पति तो वो जन्म जन्मांतर से हैं, ये क्यों भूल जाती हैं आप? परंतु मुझे तो एक ही जन्म मिला है ना ऋषिवर, और इसी जन्म में शिव मेरा पुत्र है और यही परम सत्य है। किसी को अधिकार नहीं कि बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे अनुमति के मेरे शिव के पास आए या शिव को अपने पास बुलाए। संभवतः अपने पुत्र मोह के कारण आप इस अटल सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं देवी। क्या आपके शिव को अद्वितीय वहीं लौट कर जाना है, वही उसका गंतव्य है देवी। जिस दिन मेरा बाल शिव महादेव में परिवर्तित होगा उसी दिन मैं इस नश्वर शरीर को त्याग दूंगी ऋषिवर। शिव के बिना मेरे लिए जीना असंभव है। सब
देवराज, क्या आपके द्वारा अमृत कोषागार का प्रतिदिन निरीक्षण अनिवार्य है? त्रिदेवों की अनुपस्थिति में अनिवार्य है देवी, क्योंकि अमृत ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है, सभी प्राणियों में प्राण वायु का स्रोत है, और यदि ये असुरों के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम देवराज। सुरक्षा कार्य कैसा चल रहा है? सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चल रही है देवराज। सुरक्षा कार्य में किसी भी तरह की असावधानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं देवराज। इन मूर्ख देव सैनिकों को पहचानना भी नहीं आता। घुसपैठिया सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर चुका है। सैनिकों, सब सतर्क हो जाओ। क्या लगा था तुझे कि मेरा रूप धारण करके तू अमृत तक पहुंच जाएगा? अमृत का सुरक्षा चक्र कोई नहीं तोड़ सकता। शीघ्र अपने वास्तविक रूप में आ। प्रकट हो गया मैं अपने असली रूप में। कौन है तू? वीर मायासुर हूं मैं। देवराज इंद्र, यदि प्रहार करना है तो सामने से कीजिए। यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो देवराज इंद्र से अवश्य पूरी करेंगे। आपके शव को अपने राजा असुर अंधक को भेंट करना मेरी इच्छा है देवराज इंद्र। सज्ज हो जाओ देवराज इंद्र। वो बहरूपी तुम्हारे रूप में आकर छुपा है। दृष्टि पहनी रखो, पछते ना पाए। शीघ्र आपने अपने ध्यान में क्या अनुभव किया? मैंने उनके दर्शन किए, उनके स्वरूप के। किसके स्वरूप के? माता के स्वरूप के। ईश्वर का साकार रूप
माता उठी। आपके कारण आज मैं इतने बड़े सत्य से परिचित हो सका मित्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोषागार के चारों ओर सुरक्षा कवच, इसका अर्थ तो ये हुआ कि पहले मुझे सुरक्षा कवच को ऊर्जा के विस्फोट से नष्ट करना होगा, तो ही तो जाके प्रवेश द्वार खुलेगा। फिर इसके बाद अमृत पर केवल हम असुरों का अधिकार होगा। इसी कवच को भेदने के लिए तो मेरे असुर राज अंधक ने मुझे ये विशेष शक्ति दी है। भय था वही हुआ। देवराज अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा कवच पर हुआ आक्रमण इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि अब महाप्रलय को रोका नहीं जा सकता। यह समय सोचने विचारने का नहीं है देवी, निर्णय लेने का है। शीघ्र ही निर्णय ले, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि शिवर, ये क्या हो रहा है? जिस अनर्थ का भय था वो अंततः हो गया है। देवी अनुसूया, आपने तीनों लोगों को महाप्रलय के मुख में ढकेल दिया है। क्षमा कीजिए देवी, परंतु मेरे पुत्र इस अंधकार में गुरुकुल से घर के मार्ग पे होंगे। यदि वो अंधकार में भटक गए तो ढोल करने की आवश्यकता नहीं है। माँ, माँ का अर्थ स्वार्थ नहीं होता। माँ वो होती है जो सभी को एक समान सिंचित करती है, सभी की रक्षा करती है। परंतु आप ये विस्फोटक ध्वनि कैसी थी? ये ध्वनि उस अमृत कोषागार के सुरक्षा कवच के टूटने की ध्वनि है। और ये अंधकार उस विस्फोट से ऊर्जा उत्सर्जन का दुष्परिणाम है। जिससे संपूर्ण भूमंडल में विष फैल रहा है। यदि समय रहते हमने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो ये विष सारे संसार को नष्ट कर देगा। परंतु ये सब रुकेगा कैसे देवी? नीलकंठ महादेव ही इस विष का और इस हलाहल का समाधान है। परंतु ये असंभव है देवी, हमारे शिव तो अभी बालक है, अपरिचित है अपने सभी शक्तियों से। परंतु ये प्रलयकारी घटना रुकेगी कैसे देवी? देवी अनुसूया को निर्णय लेना होगा।
महादेव के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं, परंतु मैं जगत माता होने के नाते उन्हें रोकने का प्रयास अवश्य करूंगी। किंतु चिंता की बात यह है कि मैं अधिक समय तक उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। यदि आपके हृदय में संसार के लिए करुणा जाग जाए तो महादेव को मुक्त करके उन्हें भेज दीजिएगा, अन्यथा प्रलय के प्रहार के लिए सच रहिएगा। माँ, चलो घर के अंदर चलो, आ जाओ। प्रलय, महाप्रलय आरंभ हो गया है देवी।